एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल निवाई ने लहराया परचम। जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बालिकाओं ने इतिहास रचते हुए 17 वर्ष एवं 19 वर्ष की चैंपियन ट्रॉफी की विजेता रही। व्याख्याता चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि वनस्थली विद्यापीठ निवाई में आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय एथलीट्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की। बालिकाओं के विद्यालय आगमन पर प्रधानाचार्य रामचरण मीणा एवं स्टाफ सदस्यों ने सभी बालिकाओं एवं शारीरिक शिक्षिका सुनीता चौधरी का भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य रामचरण मीणा ने बताया कि 17 वर्ष में प्रथम स्थान 5 बालिकाओं ने, द्वितीय स्थान पर 5 बालिकाओं ने तथा तृतीय स्थान 2 बालिकाओं ने प्राप्त किया। 19 वर्ष में प्रथम स्थान 5 बालिकाओं ने, द्वितीय स्थान 6 बालिकाओं ने, तृतीय स्थान 5 बालिकाओं ने प्राप्त किया। इस तरह 10 गोल्ड, 24 सिल्वर तथा 7 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। पूर्व में आयोजित 14 वर्षीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी विद्यालय की बालिकाओं ने चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की। अतः इस वर्ष विद्यालय ने एक और अनोखी उपलब्धि हासिल की है कि वह 14 वर्ष, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष तीनों उम्र में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता की एक ही वर्ष में चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त करने वाला प्रथम विद्यालय बन गया है। ये विद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय। विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य शैक्षणिक विकास के साथ खेलकूद प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय को राज्य स्तर पर प्रथम नंबर पर लाना है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामचरण मीणा, व्याख्याता शीला मीणा, अंकिता मीणा, सुषमा अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षिका रंजिता तवर, वरिष्ठ अध्यापक लालचंद रेगर, हंसराज मीणा, संसद मीणा, सीता मीणा, सीमा मीणा, मंजू मीणा, संतरा बेरवा, उमा वैष्णव, निर्मला चौधरी, उर्वशी शर्मा, यास्मिन कुरेशी, दीपक सेन, सत्येंद्र सिंह राजावत, गिरिराज प्रसाद शर्मा, निर्मला मीणा आदि स्टाफ मौजूद रहा। निवाई टोंग से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। हमारे निवाई की छात्रा हूँ। हम खेलकूद प्रतियोगिता में वनस्थली विद्यापीठ में गए। वहाँ पे हमारे स्कूल के 17 और 19 वर्ष के गेम हुए, जिसमें हमारे स्कूल ने वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं के साथ हमारा कंपटीशन हुआ और हमने अन्य स्कूल के साथ भी, और उनमें हमने उनसे ज़्यादा प्राइज जीते। और 17 और 19 वर्ष दोनों में हमारे स्कूल में चैंपियनशिप आई, और इससे पहले 14 वर्ष में भी हमारे स्कूल में ही चैंपियनशिप आई। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 17, 14 और 19 तीनों वर्ग में ही हमारे स्कूल में चैंपियनशिप ट्रॉफी आई। धन्यवाद। इसमें हमारे सर और पीटीआई मैम का बहुत योगदान है। उन्हीं की वजह से हम लोग आगे गए, वहाँ पे खेले और हमारा स्टेट पे भी सिलेक्शन हुआ। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है, लेकिन हमारे मैम और सर इनकी प्रेरणा से हमारा स्टेट पे सिलेक्शन हुआ, इस बात से हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इस साल हमारे शिक्षा विभाग और राजीव गांधी जो खेलकूद प्रतियोगिता हुई है, इनमें हमारी EMRS निवाई की छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण ओलंपिक में हमारी 30 बच्चियों ने पदक जीते, उनमें 10 बच्चियों का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ और वो स्टेट पर खेली। उसके बाद में शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रतियोगिताएं खेलकूद में होती है, उनमें बालिकाओं ने सभी कैटेगरी में और लगभग काफ़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और सभी में हमारी बालिकाएं फर्स्ट, सेकंड और तृतीय स्थान पर रही हैं। और उनमें मैं आपसे जो हमारा प्रदर्शन है इस साल का, वो इस प्रकार से है। वॉलीबॉल में हमारी ग्रामीण जो ये शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगिता है, इसमें हमारी टीम विजेता रही और इसमें 4 बच्चियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में हमारी बालिकाओं का 4 बच्चियों का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ। कुश्ती में हमारी 1 बालिका का सिलेक्शन हुआ। रग्बी फुटबॉल में भी हमारी 1 बालिका का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ। खो खो प्रतियोगिता में हमारी 1 बालिका का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ। कबड्डी में 1 बालिका का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ। एथलेटिक्स में 14 वर्ष में हमारी 5 बालिकाओं का स्टेट पर सिलेक्शन हुआ। और उसी के साथ में जो आप देख रहे हैं, ये 14 वर्ष में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो ट्रॉफी होती है, उसमें हमारी बालिकाओं ने प्राप्त की है। अभी डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो प्रोग्राम, जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं,
ये वनस्थली में हुए थे, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों से बालिकाओं ने भाग लिया। उसमें हमारी बालिकाओं ने 17 और 19 वर्ष में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 17 और 19 में विभिन्न जो एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हैं उनमें 41 पदक प्राप्त किए गए हैं, जिसमें कुछ गोल्ड हैं, 10 गोल्ड हैं, 25 सेकेंड सिल्वर हैं और बाकी ब्रांज मेडल हैं। इनमें से लगभग हमें विश्वास है कि नियम अनुसार 15 बालिकाओं का इनमें स्टेट पर सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से हमारी इस स्कूल की बालिकाओं ने इस साल 30-32 बालिकाओं का राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुआ है और अभी हमारे TAD विभाग के जो गेम्स हैं वो होने बाकी हैं और सभी वर्गों में सभी खेलों में लगभग अब तक हमारे 91 पदक हमारे स्कूल को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारी 17-19 वर्ष में भी एथलेटिक्स में चैंपियनशिप मिली है बालिकाओं को और ये सब पदक हैं जो बालिकाओं ने इस वर्ष प्राप्त किए हैं। TAD विभाग के अभी गेम से प्रारंभ होंगे, उनमें निश्चित ही हमारी बालिकाओं का न केवल स्टेट पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें विश्वास है कि बच्चियाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगी और स्कूल का, माँ बाप का, देश का नाम रोशन करेंगे। जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं उसमें आपका लक्ष्य कितना मेडल जीतने का है? हमारे TAD विभाग में जो गेम्स होंगे उसमें हम खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, अन्य जो सभी प्रतियोगिताएं हैं उनमें हमारा विश्वास है कि लगभग 40 बच्चियों का हमारा नेशनल लेवल पर चयन करवाने का उद्देश्य है और लगभग 60-70 पदक हमारा विश्वास है कि स्टेट स्तर पर हमें मिल जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।